बिल्कुल बिल्कुल रखने चाहिए, बर्ड्स रखें, कोई मसला नहीं है। लव बर्ड्स रखें, महंगी म्यूटेशन रखें, या आप जनाब कमर्शियल बर्ड्स रखें, महंगे महंगे बर्ड्स रखें, मसला कोई नहीं है, रखने चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, किस तरह रखने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, नुकसान हो जाता है बाज़ लोगों का, बड़ा मसला हो जाता है, फिर डिसार्ड हो जाते हैं, तो क्या करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकबाल कादरी, आपका दोस्त, आपसे मुखातब। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्ड्स रखने चाहिए लेकिन इनका तरीका कार क्या है, कि हमें क्या ट्रेनर की ज़रूरत है, बर्ड्स का कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करें तो क्या इसमें मुनाफा है या इसमें नुकसान है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आज हमारी तफसील के साथ बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल अल मदीना एवरी में विज़िट करें। इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी, इसमें लव बर्ड के जो है म्यूटेशन के ऊपर और कमर्शियल बर्ड्स के ऊपर पेयरिंग जो है बेहतरीन पेयरिंग आप न्यू फैंसेस के लिए वो भी आपको मिल जाएगी। आप विज़िट करें तो आपको इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अपने आपको अपने बर्ड्स को नज़रबाद से बचाने के लिए मेरे चैनल में इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें दो तरह के तरीके बताए गए हैं, वो विज़िट करें, वो आपको तरीका मिल जाएगा, उससे आप अपने बर्ड्स की भी नज़र उतार सकते हैं। अब नज़र बद जो होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है, ये ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र तक ले जाती है, इतनी ये ख़तरनाक होती है। तो इसका हल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम बर्ड महंगे और अच्छे खूबसूरत किस्म के परचेज़ करके लाते हैं तो ये मसला आ सकता है। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि कारोबार हम अगर बर्ड्स का करना चाहते हैं नए शौकीन हज़रात, तो वो क्या करें, किस तरह करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जब भी हम अपने लिए बर्ड्स महंगे ख़रीद के लाते हैं तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमने इन बर्ड्स को किस तरीके से, लव बर्ड है, इनमें महंगी म्यूटेशन है, कमर्शियल में बहुत महंगी महंगी म्यूटेशन है, क्रीमिनो है, डेकिनो है, या अल्बाइनो रेड आइज है, या आप इसमें पेल फैलो, ये इस तरह के बर्ड्स अगर ले आते हैं, डन फैलो है, तो इनको हमने किस तरह संभालना है, किस तरह इनकी खिदमत करनी है, इनसे आगे ब्रीड किस तरीके से लेनी है, इसके ऊपर आज हमारी बात होगी। तो ये काम जो है ये स्टार्ट करने के, अगर आप बाकायदा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शौक़ के तौर पर भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये काम स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करनी चाहिए कि हम ये सारा कुछ करेंगे कैसे, इनके मुतलक हमें मालूमात होनी चाहिए। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है दोस्तों से कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि सस्ते बर्ड जो हैं वो परचेज़ करें, जैसे हमारे पास फिशर हैं, सबसे सस्ता बर्ड है लव बर्ड में, या परचेज़ करें, उसके अलावा कामल लुटिनो है ब्लैक आइज़ में, वो परचेज़ कर लें, उसके बाद अल्बाइनो ब्लैक आइज़ है, ये आप ले लें। ये इस तरह के बर्ड्स जो हैं फिशरीज़ में ब्लू फिशरी मिल जाती है और फिशरीज़ में काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं, या कलर लव बर्ड हैं जिनको हम कामल लुटिनो या पीच फेस, इस तरह के जो कलर बर्ड लव बर्ड हैं उनको आप रख लें। पहले आप ट्रेनिंग करें, तजर्बा हासिल करें, दो तीन पेयर रखें, या आप कुछ पेड़ रखना चाहते हैं तो इसमें से आप लगा लें पेड़, और आप ये पेड़ लगा के इनको देखें कि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, कुछ छः महीने साल सीखें पहले कि ये किस तरीके से लव बर्ड की हम जो अफजाशी नस्ल कर सकते हैं, इनकी बीमारियां क्या होती हैं, इनमें मसाइल क्या क्या आ सकते हैं, और इसके बाद इनको संभालना कैसे है, दाना पानी जो डालना होता है उसका क्या हिसाब किताब है, साफ फूड किस तरह डालना है, पहले ये अपनी आपको ये इन चीज़ों के ऊपर पक्का कर लें, इनसे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर आपका कोई बर्ड एक्सपायर भी हो जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा, 1500 से 2000 तक आपका नुकसान होगा, लेकिन ये है कि वो बर्ड जब ब्रीड करते हैं तो फिर पूरा भी हो जाता है नुकसान। ये चीज़ें आप जो है इन चीज़ों के ऊपर ख्याल करें, फिर आप जब रनिंग में बर्ड्स को अपने पास रखते हैं तो फिर हमें इस चीज़ का तजर्बा हासिल हो जाता है कि यार हमारे साथ क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इनमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, इनको नज़ला लग सकता है, बुखार हो सकता है, इनको सर्दी लग सकती है, गर्मी की वजह से इनको मसला को बन सकता है, सोकड़ा हो जाता है, और आपस में ये लड़के ज़ख्मी भी हो जाते हैं, इनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं, तो इन सब बीमारियों का क्या इलाज है। इस तरह आपके पास ना एक अच्छा खासा एक तजर्बा आ जाएगा, एक वोकैबुलरी आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। आप कोई से भी बर्ड रखें, आपको एक दफ़ा तजर्बा हो जाएगा, आप कोई से बर्ड रख सकते हैं, कॉकटेल रखें, लव बर्ड में आ जाएं, आप जनाब ग्रीन चेक कनोर रख लें, आप रिंग नेक रख लें, आप पहाड़ी तोते रख लें, कोई भी बर्ड जो हैं आप महंगे वाली बड़े वाली म्यूटेशन रख लें, सबका एक ही हिसाब किताब होता है, ब्रीड लेने का तरीका भी सबका एक ही है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और
ये आपको पता चल जाएगा कि बर्ड्स ब्रीड लेने के लिए प्राइवेसी ज़रूरी है या क्या सीन होता है। तो ये चीज़ें जो है ना दोस्तों, जो बताने का मकसद ये है कि न्यू फैंसियर हमारे दोस्त जो होते हैं वो महंगे बर्ड्स उठा के ले आते हैं, फिर बर्ड एक्सपायर हो जाता है या उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो बड़ा दुख लगता है उनको, वो मतलब एक परेशानी का शिकार हो जाता है। तो ये मसाइल पेश आते रहे हैं, इसलिए दोस्तों से ये बात शेयर करने का दिल किया कि यार ये सबको पता होना चाहिए कि लव बर्ड में अगर प्रॉफिट है तो उसमें धोखा ही बहुत है, इसमें नुकसान भी हो सकते हैं। ये ज़िंदा परिंदे हैं तो इनमें परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए हमें अपना दिल जो है ये छोटा नहीं करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए हमें इस चीज़ों के मतलब, इनके मतलब इलम होना चाहिए। कोई भी कारोबार हम करते हैं, जब आप कोई भी कारोबार ले लें, जब हम शुरू करना होता है हमने, तो उससे पहले उस कारोबार के मतलब हम पूरी पूरी जानकारी हासिल करते हैं कि यार ये कारोबार करना किस तरह है। ठीक है, अगर आपने कोई नौकरी करनी है तो वो भी पहले ट्रेनिंग देते हैं आपको कि यार आपने ये नौकरी करनी है तो इससे पहले आप ये ट्रेनिंग ले लें ताकि आपको पता हो कि ये किस तरीके से करनी है। इसी तरह भाइयों, ये लव बर्ड भी एक बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें भी एक ट्रेनिंग है, पहले वो ट्रेनिंग आप ले लें, अपने किसी को अपना उस्ताद बनाएं। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये अपने कारोबार को लेके आगे चलें, इंशाल्लाह फिर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, पैसे ही पैसे होंगे। ये वीडियो देख के जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं जी, ये हम एक पेयर लगा लेंगे तो ये 40-50 हज़ार का पेयर है तो इसमें लाखों की आमदन आ जाएगी, तो वो फिर क्या होता है कि बस ये देख के, हमने पहले तोते रखे नहीं होते, पता होता नहीं तोतों का कि यार ये इन तोतों में अगर ये सुस्त होकर बैठे हुए हैं तो क्या मसला है, हमें जज करना नहीं आता, यार इनकी जो बीट है वो पतली है तो ये क्या मतलब परेशानी है, या ये खुराक नहीं खा रहे, या ये खा रहे हैं तो किस तरह खा रहे हैं, पानी जो हमें दिया हुआ है वो पानी जो है वो पीते हैं या नहीं पीते, ये इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं ये सीखनी पड़ती हैं। तो ये सीखने के लिए ज़रूरी है, आप पहले सस्ते लव बर्ड या सस्ते परिंदे रख के इनके ऊपर आप ट्रेनिंग ले लें, फिर आप कारोबार करेंगे, आपको पता होगा और आपके पास नुकसान के खर्चे 0% हो जाएंगे। बाकी ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से सारे काम होते हैं, अल्लाह अगर चाहे तो एक अनट्रेंड बंदे को कहीं से कहीं पहुँचा दे, और अगर अल्लाह चाहे तो वो ट्रेनिंग वाला बंदा जो उसको भी नुकसान हो जाए, इसके ऊपर वो नहीं है, ये आपकी लक भी होती है, आपकी जो तकदीर में क्या लिखा हुआ है वो भी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल इन चीज़ों से डिसहार्ड नहीं होना, जब आपने ये काम शुरू करना है तो फिर इसमें एक कुलिया जो है वो आपने याद रखना है कि आपने जब काम शुरू कर लेना है तो फिर उससे पीछे नहीं हटना, उसको आगे ले कर जाना है, चाहे आपको उसमें से नुकसान हो रहा है या आपको नुकसान नहीं हो रहा, तो आप बराबर बराबर में जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि आपने इस काम को फिर ले कर चलना है, छोड़ना नहीं, आपने इसके अंदर पक्का। तो जब इस तरह आप ये सारी ट्रेनिंग ले लेंगे और इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी, आपको नुकसान नहीं होगा और कभी भी आप नुकसान में नहीं जाएंगे। इसलिए एक तो अल्लाह के ऊपर पक्का यकीन, अल्लाह के ऊपर जब आपका पक्का यकीन होगा तो फिर इंशाल्लाह आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल सारी बातों की एक बात कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ट्रेनिंग उसकी लेनी चाहिए, कोई ना कोई अपना उस्ताद बनाना चाहिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप नुकसान नहीं उठाएंगे। तो इसलिए यही आपसे रिक्वेस्ट थी, यही एक बात करनी थी। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।